हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हम आशा करेंगे कि इस नए साल में आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो। तो आज का पहला न्यूज है एक्शन बोल्ट के बारे में। तो एक्शन बोल्ट ने आज कुछ सरप्राइज देने के बारे में बात किया और इसी के ऊपर उन्होंने बस एक छोटा सा रिप्लाई देते हुए क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। कल एंजॉय करो, मिलते हैं इस कल की स्ट्रीम में और शायद कल आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, ठीक है। हमारा अगला न्यूज है फ्री फायर प्रो लीग के बारे में। तो दो तीन दिन पहले फ्री फायर प्रो लीग से दो टीम के प्लेयर हैक यूज करने के वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, पर इसके साथ ही अभी प्रो लीग से एक और टीम डिस्क्वालीफाइड हो गए और ये टीम है एरो ईएसपी। और एरो ईएसपी की टीम इसलिए डिस्क्वालीफाइड हो गए क्योंकि उनकी टीम में 16 ईयर से नीचे के प्लेयर थे और गेरेना के रूल बुक के हिसाब से 16 ईयर से नीचे के प्लेयर स्पोर्ट नहीं खेल सकते। तो यही रीजन था कि एरो ईएसपी की टीम डिस्क्वालीफाइड हो गए और उनके जगह पे टॉप 6 पे किसी और टीम को मौका मिल गया। तो अभी जो इसमें 6 टीम क्वालिफाई किया था वो ये रहा। अगला न्यूज है देसी गेमर्स और रोमियो गेमर के बारे में। तो रोमियो गेमर और देसी गेमर्स ने अपनी स्ट्रीम पे थारा भाई जोगिंदर के ऊपर बात किया और इसके साथ ही उन्होंने इसके ऊपर फन करने के साथ ही जोगिंदर के बारे में ये कहा कि जोगिंदर को जो स्ट्राइक दिया गया था वो गलत था और ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। और इन सब के ऊपर ही रोमियो गेमर और देसी गेमर्स ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, तारा भाई रोमियो ने जोगिंदर को मार दिया। मैंने सुना किसी ने इसको स्ट्राइक दे दिया। मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सब तो ठीक है, कि वो तो मजे के लिए सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट यार, किसी ने उसका वीडियो टेक डाउन करा दिया ना, मेरे को बुरा लगा। अरे वो तो गलत बात है भाई, ऐसे नहीं। अरे मस्ती तो आ रही है यार, जोगिंदर क्या कहेगा। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो आपको पता है कि काफी महीनों से टोटल गेमिंग और देसी गेमर्स एक साथ नहीं खेलते और काफी महीनों तक ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थे। और कल इसी के ऊपर टोटल गेमिंग ने एक चैलेंज वीडियो अपलोड किया जिसमें टोटल गेमिंग और रोमियो गेमर ने चैलेंज किया था। और इसमें रोमियो गेमर हारने पर रोमियो गेमर ने देसी गेमर्स को ये कहा कि वो टोटल गेमिंग को गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और देसी गेमर्स ने भी टोटल गेमिंग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और टोटल गेमिंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में है और टोटल गेमिंग ने भी ये कहा कि ये दोनों एक साथ खेलेंगे। तो आप लोग इसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अरे आ गया अमित भाई का रिक्वेस्ट, ये वाला वी बेज वाला अमित भाई है ना, इट इज अमित, ऐसा करके इस अमित भाई। हां भाई, चलो यार बढ़िया यार, करते फिर इनके साथ भी एक आध गेम प्ले करते हैं बहुत जल्दी। चल रोमियो यार मिल। और डाउनटेक गेमर आज अपना फेस रिवील करेंगे तो आप लोग इसके लिए रेडी रहना। और मुन्ना भाई गेमिंग ने कल अपने चैनल पे पहली बार ब्लॉग वीडियो अपलोड किया तो आप लोग अगर उनका पहला ब्लॉग वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और गाइस, हमारे सेकंड चैनल एआरजी ब्लॉग में एक फनी शॉर्ट वीडियो आया है तो आप लोगों ने अगर अभी तक उसको नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।